आटा गूंथते और खाना बनाते ये हैं बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान। जनता के बीच बैठे यूनुस खान रोटी बना रहे हैं, लोगों को ये जता रहे हैं कि वो जमीन के कितने जुड़े हुए नेता हैं। यूनुस खान राजस्थान की टोंक सीट से उम्मीदवार हैं और सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार के दौरान यूनुस जनता के बीच पहुंचे तो खाना बनाने लगे, चूल्हे के पास बैठ गए, पहले आटा गूंथा फिर रोटी बनाई, चूल्हे पर पूरा खाना बनाया। यूनुस खान ने खुद को चमकाने के लिए रोटी तो बनाई लेकिन चूल्हे पर रोटी बनाने पर वो घिर गए। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना फेल हो गई जो राजस्थान सरकार के मंत्री चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। सियासत का एक और रंग देखिए, ये राजस्थान के फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली खान आंसू बहा रहे हैं। वो बार बार अपने आंसू पोंछकर वोटों की अपील कर रहे हैं, वोटरों से कह रहे हैं पानी मांगोगे तो खून देने को तैयार हो। चुनाव प्रचार के दौरान हाकम अली खान ऊंट के साथ लाभ लश्कर लेकर घूम रहे हैं, गली गली प्रचार कर रहे हैं। नेताजी को सर पर बिठाने वाले उनके समर्थक उन्हें सिक्कों से भी तोड़ रहे हैं। जनता के लिए ये सब चुनावी तमाशा है जिसका वो खूब आनंद ले रहे हैं। यूं जमीन पर लेटकर मां चामुंडा के दर पर पहुंचे ये दौसा के नरसिंह लाल सैनी हैं। सैनी अशोक गहलोत के जबरा फैन हैं, उनके पक्के समर्थक हैं, इसलिए अशोक गहलोत की जीत के लिए कड़ी तपस्या कर रहे हैं। नरसिंह लाल मेहरानगढ़ किला से मंदिर तक दंडवत करते हुए 7 घंटे में पहुंचे। नरसिंह लाल को यकीन है कि मां चामुंडा उनकी मुराद जरूर पूरी करेंगी और अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बनेंगे।